आज ही इनका ये इंटरव्यू आया है साक्षी महाराज का, और ये असल में 2019 के चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरह की बातें ये जैसे पिछले चुनाव में उठती रही हैं, इस तरीके से इस चुनाव में भी उठेंगी। और ये जो जामा मस्जिद की इन्होंने बात शुरू की है, ये एक नया मुद्दा है, इन्होंने पब्लिक के दरमियान इसको इन्होंने शुरू किया है। हमने देखा कि जो 4-5 साल ये जो इस हुकूमत के गुजरे हैं, इसमें इस तरीके की बातें इन्होंने उठाई हैं कि जो पहले कभी नहीं उठी। मसलन ताजमहल का आप ले लीजिए, ताजमहल के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी जो है माहौल को ख़राब किया और उस पर काफ़ी इन्होंने जो है बातें करी। इसी तरीके से अब इन्होंने जामा मस्जिद का मसला उठाया है। जामा मस्जिद कभी भी इशू नहीं रहा, बाबरी मस्जिद तो एक ज़माने से एक इशू बनी हुई, एक मतनाज़े एक जगह है, लेकिन ये जो जामा मस्जिद का मसला है तो कभी भी किसी भी एतबार से इशू नहीं रहा है। इनके पास इसके ऊपर तो किसी तरह की कोई बुनियाद भी नहीं है, और ये मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ ये चुनाव को लेकर के ये मसला है। और मैं हिंदू समाज को भी और मुस्लिम समाज को भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की चुनाव के ये मसले हैं, इसमें आप जो है इसमें आप किसी तरह भी जज्बाती ना हों, आपको जो अच्छा लगे आप उसको वोट दें, लेकिन इस तरीके के बातों से आप जज्बात में ना आएँ और किसी तरीके से भी माहौल को ख़राब ना होने दें। अपना प्यार मोहब्बत के साथ जिस तरीके से हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है हमारी, उसी तरीके से जिस तरह रहते आएँ उसी तरीके से रहते रहें। ज़रा भी माहौल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ना इन लोगों के बातों में आने की ज़रूरत है। ये लोग सिर्फ चुनाव के इसको सामने रखते हुए करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं और अपनी कुर्सियाँ सीधी करते हैं।